लीजिए देवाधिदेव भगवान महेश की ये रचना, राजस्थान की राजधानी बिल्कुल जयपुर संभाग की बड़ी सुंदर रचना में पेश कर रहा हूं। आप लोग विराजे हमारे मीठालाल जी सैन, बिल्कुल हम सभी के फैन और हम आपके फैन, ठीक है ना? हाँ, सब फैन ही फैन है, फैना फैन है। ऐसा शायद हमारे इसी संप्रदाय के शायद आप लोग बाबजी को जानते हैं, मोहननाथ जी महाराज जो हमारे अभी पास में है अच्छी नाथ जी के आश्रम, ठीक है ना? तो ये सब नाथों का आशीर्वाद है। बिल्कुल यहाँ मोहननाथ जी महाराज ने पढ़ाई लिखाई की है, बिल्कुल वो हमारे नज़दीक ही हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है। विरासत का जो आश्रम है अच्छी नाथ जी महाराज, बिल्कुल ये रचना बड़ी सुंदर लगेगी आपको। शंकर भगवान और पार्वती ये जब झगड़ा हो जाता है, और उनके होता तो अपने तो होता ही है, ठीक है ना? हाँ, मोची बनकर माने चलिया, मैं बन गई वील रानी, शिव शरण पार्वता बोले भारत छे। मोची बन के माने चलिया, मैं बन गई भिलराणी। देखिए मारवाड़ में कहो तो मिठालाल जी थोड़ा मार का ना ध्यान दे। अब तो क्या है कि रात को एक दूसरो टाइम हुआ है, तो शायद जहां तक सोच है कि अच्छे लोग विराजमान है। हाँ, बांध पीणी हो रही है पर लेरा लेनी दोरी है। हाँ, भंग नीली भंग पीली, भंग पीने में ये नफा, अखियां लाल दिल बिल्कुल ही सफा, जो नहीं पिए भंग का घूंट बने मारवाड़ का ऊंट, फिरे चारों कूंट हरदम बोले झूठ, रे जावे ठूंठ का ठूंठ, जो नहीं पिए भंग का घूंट। सुन प्रकाश, सुन क्या कह रहे हैं कालू राम, थोड़ा ध्यान दे। थोड़ी लेर लेनी दोरी है जी, पूरी रात भरा मैं भी दूर सू चला रहा, ठीक है कि थोड़ा वो शब्द। हाँ, परम श्रद्धे शांतिनाथ जी महाराज की पावन पवित्र धरती पर, ठीक है ना? हाँ, हम तो इतने महान नहीं है, हम तो ये नगरी ये पावन धरती महान है, जो कि इस नगरी के हम जैसे तुच्छों को दर्शन हो रहे हैं, ठीक है ना? गाना बजाना बहुत अटकर की बात है, जो पूजनीय धरती होती है, ठीक है ना? जहाँ जहाँ जन्मू, जहाँ जहाँ जन्म ले हूँ, पद पंकज के पास रहूँ, ठीक है ना? ऐसे ऐसे संत महान जो हुए हैं। एक बार ये तो आशा जी मेरी बहन है, और काफी काफी आर्ट में जो आजकल दुनिया के मायने छोटी मोटी बात तो हो ही जाया कर, तो हमारे राजस्थान के राजधानी के बड़े कविराज उनकी रचना है, जिनका शायद नाम चुनी जयपुरी और भगवान साई सेन, आपकी समाज के कविराज प्रमश्रदे भगवान साई जी सेन, इन उन्होंने आज तक रचना गाई है, तो उस रचना के राइटर खुद ही। तो
कोई रिकॉर्डिंग हो रही थी भोलेनाथ की, सावन का महीना, चुनी जी और भगवान साईं जी के बीच में कुछ तनाव हो गया, तो भगवान साईं जी लिख रहे हैं भोलेनाथ को कि हमारे तनाव की जो दूरी है इसको खत्म कर दे भोलेनाथ। हिमाचल की लाडली शिवजी, हिमाचल की लाडली शिव परणी चनियाई, अगर भंग भूता की गोली ओ संग में ले तो आ, पार्वती की अस रेखा में बतायो कि जो पार्वती के साथ में ब्याह करी बिल्कुल अगड़ बंब लहरी, बाड़ा में गुफा बिल्कुल अंग बबूती, रामायणों कोई राजा को राजकुमार नहीं, भूता की टोली साथे, ठीक है ना, छाप गोईरा हाथ है। राजा मन में विचार करे हिमाचल के राजा की राजकुमारी एक जोगी के साथ में थोड़ी चली जाए, भगवान साईं जी की रचना है वो। जब चुनी जी के और भगवान साईं जी के कुछ तनाव हो जाता है ऐसे ही, तो भोलेनाथ को लिखते हैं, आयो परण बाने जोगी, ओ तो आयो रे परण बाने, आये घबरा तारी जान तो चढ़िए का कड़म रंगीलो जोगी, आयो परण बाने बारात, कोई नगरी या कोई नगर कोई शहर से रवाना नहीं हुई है। अरे ना कोई गुड़िला ना कोई हाथी, 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 ओ संग में लायो भूता ने बराती, संग में लायो भूता ने बराती, ओ संग में रानी बड़ी दुखी हो रही है कि मैं थाने समझायो या तकलीफ क्यों करो, दुखड़ो क्यों मोल ले रिया हो, और राजा को कोई राजकुमार नहीं है और भूताने साथे लायो है। मैं तेनु समझावा जी, मैं
साई जी बिल्कुल स्टूडियो में 3-4 घंटा बैठे रहे, जब चुनी जी आई तो ये रिकॉर्डिंग हुई। ये भोलेनाथ की कृपा है। अरे माया महादेव की नारी ओ परिणे ही बादल की प्यारी ओ परिणे ही जो मिला मैं चूनड़ आयो पर